क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा, आपको फाइंड द मीन ऑफ द 5 होल नंबर्स, आपको पूर्ण संख्या होल नंबर्स का पता होना चाहिए कि होल नंबर किसे कहते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ बता दूं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम इसका मतलब पूर्ण संख्या है तो हम लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 संख्याएं हैं हमारी। अब हमें निकालना है माध्य, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब हमें माध्य निकालना है, माध्य जिसको हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कर लेते हैं बेटा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन में टोटल कितने हैं, 5 है, जोड़ेंगे 2 और 1 = 3, 3 और 3 = 6 और 4 = 10 बटे 5, 5 = 5 और 5 × 2 = 10। तो 2 बार में जाएगा, हमें पता लग गया माध्य क्या आ गया, 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसका कंप्लीट हो गया। थर्ड, और देखिए एक चीज यहाँ पर आप ये ना सोचे कि ये भाई जिनमें नंबर है, ये 0 भी हमारे को बोला है जोड़ने के लिए, तो हमारे पास टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्न रन बनाए। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 बार वो खेलने गया, पहले मैच के अंदर वो खेला और उसने 58 रन बनाए और आउट हो गया। नेक्स्ट मैच में 76 बनाए और आउट हो गया। उसके बाद जो तीसरा मैच था उसने 40 रन बनाए, चौथे में 35, उसके बाद में 46 रन बनाए, उसके बाद उसने 50 मारी, उसके बाद वो 0 पे आउट हो गया। और जब 8वां मैच उसने खेला तो उसमें 100 रन उसने बनाए। कह रहा हूं उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन स्कोर। देखो बेटा, जब आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो ये रहा फॉर्मूला। तो आप यहां लिख देंगे कि माध्य यानी मीन बराबर क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना है अपने पास, जोड़ेंगे 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, 8, क्योंकि 8 है टोटल। अभी इसे जोड़ लेते हैं तो 6 और 5 = 405/8 आ गया। जब आप इसे भाग करेंगे 405 को 8 से, तो 8 × 5 = 40, 5 उतरेगा और ये भाग नहीं हो रहा, ना कटने का 0 लगा देंगे, बस इसी को लिख देंगे आप 50। ये कटा नहीं है इसीलिए ये ऊपर जाएगा और जो काट नहीं पाया है वो नीचे आ जाएगा। 50 = 5/8 या 50.5/8, 50 integers 5/8 इसका आंसर रहेगा। ये आपका माध्य निकल गया। थैंक यू सो मच, होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।